हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सिटी किटवाड़िया चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो अपडेट वीडियो है। जो भी मैंने सीड वगैरह लगाए थे उन सीड का अपडेट दिखा रही हूँ और कुछ सीड भी आपको ग्रो करना सिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये है हमारा करेले का सीड, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे से सीड निकले हुए हैं, करेला निकला हुआ है। और मैं इसको इस नेट से कवर करके रखती हूँ क्योंकि कबूतर जो हैं इस टाइप के छोटे छोटे से प्लांट को उखाड़ कर खा जाते हैं। तो फ्रेंड्स, रोज़ मेरे गार्डन में एक बटरफ्लाई आती है, आई होप आप सबको दिख रही होगी। और जिस टाइम मैं अपने टेरेस पर आती हूँ उसी टाइम वो भी आ जाती है, रोज़ इसी टाइम पर। तो आई थिंक आप सबको दिख गई होगी। तो चलिए अपने टॉपिक पर ही आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, इस वाले कंटेनर में कंपोस्टिंग की थी मैंने, इसमें सारे के सारे सीड ग्रो किए हैं मैंने। तो यहाँ पर आप टैग देख सकते हो, तोरी लगी हुई है, दो ही सीड मैंने लगाए थे, दोनों के दोनों ग्रो हो चुके हैं। यहाँ पर बैगन के सीड डाले थे मैंने इस वाले लाइन में, वो भी ग्रो हो चुके हैं। और यहाँ पर करेला डाला था मैंने दो, उसमें से एक सीड जो है वो ग्रो हो चुका है, एक अभी निकला नहीं है। इस वाले को भी मैं नेट से कवर करके रखती हूँ, अभी मैंने हटाए हैं। तो ये देखिए, ये नेट पड़ा हुआ है इसका। तो थोड़ी सी डायरेक्शन वगैरह जो है वो मैंने चेंज की है, ये एक सेटअप लगाया है। बहुत जल्दी यहाँ मैं क्या करने वाली हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं वो कॉर्नर आपको दिखा रही हूँ, वो कॉर्नर दिख रहा ना, यहाँ हमारी एक कबूतरी बैठी है जिसने अंडे दे रखे हैं और मैं उसको छेड़ती नहीं हूँ बिल्कुल भी। ये देखिए, ये नेट से कवर करके रखा है। यहाँ पर मैंने रिपोर्टिंग की थी अपने अमरूद के प्लांट की, इसको मैं निकाल दूंगी बाद में। ये अमरूद का प्लांट है, ये नेट जो लगाया था ये इसको कवर कर रहा है। और यहाँ पर मैंने ग्वार की फली या फिर बीन्स, ठीक है, बीन्स के सीड मैंने कुछ डाले थे ये देखिए इस एरिया में। तो ये सीड ग्रो हो चुके हैं, ये इन सीड को डाले हुए मुझे मुश्किल से 3 दिन हुए हैं। ये देखिए, एक वहाँ पर ग्रो हो रहा है और एक यहाँ पर ग्रो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक नन्हा सा है, इसको कवर कर देते हैं क्योंकि अभी इस एरिया में धूप नहीं आई है। और इस वाले में देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको कवर करके रखती हूँ ताकि कुछ भी ख़राब ना करे। तो ये वाले जब मैं कल सुबह टेरेस पर आई थी तो बहुत जरा जरा से थे, ठीक है, अभी अच्छे खासे ग्रो हो गए हैं। टैग लगा हुआ है यहाँ पर खीरा, तो खीरे के जितने भी सीड है ना अच्छे क्वालिटी के हैं। इसमें सारे सीड मैंने एक ही दिन लगाए थे, यहाँ पर टिंडा डाला था, यहाँ पर शिमला मिर्च डाली थी, वो उनमें से कुछ भी ग्रो नहीं हुआ। खीरे के जो प्लांट है वो ग्रो हो गए हैं और उसके 4 से 3 दिन के बाद मैंने यहाँ पर अपना ये ऑफ कैमरा मैंने किया था, यहाँ पर मैंने सीड डाले थे पोई साग के, तो ये पहले ग्रो हो चुके हैं। और जो मैंने इससे पहले लगाए थे वो ग्रो अभी नहीं हुए हैं, तो इसको भी कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लगभग 1 हफ़्ता हो चुका है, 1 हफ़्ते पहले मैंने इसमें लगाए थे यहाँ पर अपने, ये देखिए आप पहचान कर बताइए, ये है हमारा पालक जो मैंने ग्रो किया था। इसमें टैग इसलिए लगाया था क्योंकि मैं हस्बैंड को बोलती हूँ जिस चीज़ में टैग लगा हुआ है उसको छेड़ना मत, उसको गुड़ाई मत करना, क्योंकि हस्बैंड जो है वहाँ आकर गुड़ाई कर देते हैं और मेरे बहुत सारे सीड वगैरह जो है वो ख़राब कर देते हैं। इसीलिए टैग लगाया था, टैग की तरफ मत जाइएगा, वो टैग दूसरी चीज़ का है, सिर्फ पहचान के लिए उनके लिए, ठीक है। तो आज हम क्या ग्रो करने वाले हैं, तो आज हम ग्रो करने वाले हैं अपना पालक, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। ईज़िली ग्रो हो जाता है और पूरे साल आप इसको ग्रो कर सकते हो। ये है मेरे पास सीड पालक के जो मैंने लास्ट ईयर परचेज़ किए थे और इसी में से मैंने अभी आपको जो सीड दिखाए हैं वो मैंने ग्रो किए थे। तो मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो मिट्टी रेडी कैसे करते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक कर लेना। और मोटा मोटे तौर पर अगर मैं बताऊं तो 50% मैंने मिट्टी रखी है, 30% के करीब मैंने इसमें खाद मिलाया है और बाकी हिस्सा मैंने इसमें रिवर सैंड मिलाया है। आप कोई भी खाद मिला सकते हो, डिटेल में जानना हो कैसे मिट्टी रेडी करते हैं लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए पोई बोल रही हूँ, पालक को ग्रो करने के लिए आप इस टाइप का फैला हुआ कोई भी प्लांट पॉट ले सकते हो, मतलब कि ये है जितने भी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं आप उनको ऐसे ग्रो कीजिए। पॉट आपको ऐसे लेना है, ऐसे हाइट में नहीं लेना है, ठीक है, ऐसे हाइट में आपको पॉट नहीं लेना है, मतलब कि उसकी जो गहराई हो वो कम हो, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल, छोटी सी टोकरी है मैंने उसमें ग्रो किया है और यहाँ पर एक बड़ा सारा टब है मेरा जो एक्चुअली डैमेज हो गया है किनारे से। लास्ट ईयर मैंने इसमें हल्दी लगाई थी बट हल्दी मुझे बहुत कम हार्वेस्ट हुई है, वीडियो शायद चैनल पर अभी तक आ चुका होगा। कारण यह है कि ये प्लास्टिक के पॉट हैं तो इनमें से वाटर जो है वो नहीं निकलता है, जिसकी वजह से इसमें वाटर खड़ा रहता है और हमारी हल्दी जो है वो अंदर ही अंदर गल गई। क्योंकि जितनी भी बल्ब वाले प्लांट होते हैं या हमारी वेजीज होती हैं तो उनको आप ज़्यादा वाटरिंग वाले
मिट्टी में नहीं रख सकते, ठीक है। तो इस बार तो बहुत अच्छी बारिश हुई है, विंटर में भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई है और रेनी सीजन में भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, तो उसकी वजह से हल्दी जो है हार्वेस्ट कम हुई है। इस बार हम हल्दी को या तो सीमेंट के पॉट में लगाएंगे या मिट्टी में लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए, मिट्टी हमने अच्छे से गुड़ाई कर ली है, 3-4 दिन से मैंने ये मिट्टी रेडी कर रखी है, इसमें भर कर रखी है। रोज़ आकर जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट में डालती थी वो इसमें भी डाल देती थी या फिर वॉटरिंग कर देती थी, ताकि मिट्टी हमारी भुरभुरी सी रहे, ठीक है। इस तरह से आपको मिट्टी को ऊपर नीचे कर लेना, आप देख सकते हो इजीली मिट्टी हमारी हिल रही है, ठीक है। तो अब चलिए अपना सीड ग्रो कर लेते हैं। सीड ग्रो करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, कुछ खास नहीं करना है, अपने सीड लीजिए और इनको यूँ बिखेर दीजिए, ठीक है। देखिए, क्योंकि सीड हमारे ऐसे मोटे नहीं हैं कि आप उनके लिए गड्ढा बनाओ और गड्ढे के अंदर उसको डालो, तो आप सिर्फ ऐसे ही बिखेर सकते हो। जितने भी लीफी वेजिटेबल के सीड होते हैं आप उनको इस तरह से बिखेर सकते हो और ऊपर से मिट्टी इन पर फिल कर दीजिए। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो यही वाली मिट्टी आप ऐसे फिल कर दीजिए, बस हल्का सा ये मिट्टी के कॉन्टैक्ट में आ जाए, और अगर आपके पास मिट्टी है तो आप ऊपर से एक मिट्टी की लेयर बना दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए सारे सीड हमारे गायब हो गए ना, क्योंकि बहुत छोटे से सीड थे और हमने मिट्टी को ज़रा सा इधर उधर हिलाया तो वो अंदर चले गए हैं, ठीक है। मैं फिर भी इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर बना देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिट्टी की लेयर जो है वो बना दी है। अब हम कर देते हैं वाटरिंग। तो देखिए, वाटरिंग आप हजारे से भी कर सकते हो इस टाइप से, स्प्रे बोतल से भी कर सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना मग से कर दीजिए। तो मिट्टी हमारी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ड्राई पड़ी हुई है, तो फर्स्ट टाइम वाटरिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है, और आप इसको कहीं भी रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सेडी एरिया में रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी रखिए और बहुत जल्दी ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं। हालाँकि ये जो सीड हमने अभी डाले हैं वो सीड थोड़े से हार्ड होते हैं, तो हो सकता है आपको 6 से 7 दिन भी लग जाए सीड को ग्रो होने में। डोंट वरी, ये ग्रो ज़रूर होंगे। इन्हीं सीड में से मैंने ग्रो करके देख चुकी हूँ तो ये ज़रूर ग्रो होते हैं। तो चलिए, बहुत जल्दी मैं इसका अपडेट भी आपको दिखाऊंगी, और यहाँ तो दिखा ही चुकी हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो घंटी का बेल आइकन आता है ऑल पे प्रेस कीजिए, तभी डेली की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारा वीडियो देख सकोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। तो एक बात और भी बताना भूल गई हूँ मैं आपको, जब ये सीड ग्रो हो जाएंगे तो आपको वाटरिंग थोड़ी सी लिमिटेड करनी है। मिट्टी की लेयर अगर आपकी ऊपर से सूख जाए तभी आपको वाटरिंग करनी है, ऐसा नहीं कि भर भर के वाटरिंग कीजिए। नुकसान ये होगा कि आपके जितने भी नन्हे से पौधे निकलेंगे वो ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल धूप में रख दीजिए। इस टाइम हम मार्च में हैं, अगर मेरा कोई भाई बहन इसको दूसरे किसी सीज़न में देख रहा है तो उस सीज़न के अकॉर्डिंग ही आप इसे कहीं भी रख सकते हो।